ये देख सकते हैं बेयरिंग इसका टूट चुका है, ये वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हम बताएंगे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर, इसमें कुछ रिपेयरिंग कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे जानते हैं। गाइज तो आज हम इस वीडियो को बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलता चलता ये एकदम अचानक से जाम हो चुका है, और क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ है और कितने का खर्चा आएगा, बहुत नाम मात्र खर्चा आएगा इसी के अंदर। आप हमारी वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो गाइज चलते चलते ये जाम हो गया था, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ये नट है बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं घूम रहा है, इसी के बारे में हम बताएंगे। हो सकता है शायद इसके अंदर वो चक्का आता है इसी का, वो टूट जाता है, या फिर इसकी कोई बेयरिंग प्रॉब्लम है या कोई आर्मेचर प्रॉब्लम है। तो हम इसकी खोलेंगे, अभी तक हमें भी नहीं पता है, आपके सामने खोलेंगे। और ये वाले स्क्रू सबसे पहले खोलने से पहले ये स्क्रू खोलना है, हमने ये तो खोल लिया है। यहाँ इसको खोलने के बाद में कार्बन बूस होते हैं, कार्बन बूस को हटाना है इसको। तो हमने ये कार्बन बूस इसको हटा लिया है, दोनों तरफ के हटाना सेम इसी तरीके से। ये भी हमने इसका खोल लिया है, अब इसके बाद में ये खोल गया, और अब हम खोलेंगे ये वाले आगे के स्टेड नट है चार वाले, चार ये वाले, हम चारों को नटों को खोलना है और इसको धीरे से बाहर निकाल लेंगे। इसी के जो नट है ये चारों को इनको खोलना है, दो तो हमने ऑलरेडी पहले खोल लिए हैं, और उसके बाद में सबसे पहले इसी को देखेंगे, हो सकता है चक्का टूट गया अंदर से गेयर, इसको भी हमने खोल लिया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि भाई इसका गेयर तो नहीं टूटा हुआ है, गेयर तो गई, गेयर इसी के अंदर एकदम फ्रेस है, आप देख सकते हो कहीं भी गेयर का नक्का खंडा नहीं हुआ है, दांत बिल्कुल सब फ्रेस है, ये देख सकते हो। और हम ग्राइंडर का भी बताते हैं, इनके अंदर भी एकदम फ्रेश हैं और ग्रीस व्रीस भी इसके अंदर है, लेकिन ये वाला जाम हो रहा है, आर्मेचर इसी का जाम हो रहा है, तो हो सकता है इसी के अंदर बेयरिंग टूट चुका। चारों नटों को अब हम इसको धीरे से बाहर निकालेंगे, ये वाला है आगे का चैम्बर है, ये खुलकर बाहर आ जाएगा गाइज, इसी के बेयरिंग भी निकल चुके हैं। और गाइज आप देख सकते हो ये है मेन प्रॉब्लम, ये जब भी सामने आई है ये वाला गेयर है, इसी का भी एकदम इसका सारा दांत फ्रेश है और ये अंदर से घूम रहा है, लेकिन ये वाला जो आगे का जो बेयरिंग है गाइज ये टूट कर इसके छर्रे बाहर फंक चुके हैं, अंदर से बाहर निकल गया, और मेन प्रॉब्लम इसी की ये वाली है, का नहीं तो कार्बन बूस ख़राब है और ना ही इसका क्रेन ख़राब है, ये इसी का बेयरिंग टूट गया। तो बेयरिंग कैसे चेंज करते हैं, वीडियो पर एंड तक बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसी को आर्मेचर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखो हमने इसका आर्मेचर बाहर निकाल लिया है, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और अब हम इसी का बहुत ईजी है, ये वाला जो नट है ये ऊपर लगा हुआ है सॉकेट के ऊपर ये वाला, तो इसी के अंदर हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद में ये वाली जो गिरारी है वो इजीली बाहर निकल जाएगी, उसके बाद में हम बेयरिंग को निकाल सकते हैं गाइस। हमने ये वाला नट भी इसी का खोल लिया, 10 नंबर नट है, और इसी के बाद में ये गिरारी बिल्कुल ही ईजी निकल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी इस तरीके से। तो ये देख सकते हो बेयरिंग इसका टूट चुका है, ये वाला बेयरिंग का छर्रा सारा ही निकल चुका है और बिखर गया है गाइज। बेयरिंग को कैसे निकालते हैं गाइज वो आपके माइंड के ऊपर है, आप अपने हिसाब से निकाल लेना है। तब तक मैं बेयरिंग को निकालता हूं जब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप ही का चैनल है, रोज ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा रोज। गाइज हम इसी के अंदर बेयरिंग डालेंगे, और आपको ये बता देता हूँ कितना नंबर बेयरिंग है, ये MBC का बेयरिंग हम इसके अंदर यूज में ले रहे हैं, और वो वाला बेयरिंग को हमने निकाल लिया है, और इसी के अंदर 608 नंबर बेयरिंग आता है गाइस, ये इसी के अंदर लगेगा। और जो पीछे का जो बेयरिंग है 607 नंबर ये है, 608 नंबर ये है, ये आप बेयरिंग का नंबर आप याद ध्यान रखें गाइस। इसके अंदर ये वाली गिरारी इसी के अंदर सेम उसी तरीके से फिट करेंगे वापस, बेयरिंग तो हमने चेंज कर ही दिया है, और ये वाला 8 नंबर नट 10 नंबर सॉरी इसी को मजबूत कैसे गाइस, ये वाला
इस बेरिंग इसके अंदर फिट कर दिया है और आसानी से हो गया है। अब हम इसी को इसी के अंदर फिट करेंगे। ये ध्यान रखिए गाइस, ये वाला जो कट है इसी के, ये वाली जो इसके अंदर कट में फिट होएगा गाइस, इस तरीके से एकदम अच्छे से हो गया। तो गाइस अब हम इसी को इसके अंदर फिट कर दिए हैं। अब इसी को इसी के अंदर फिट करना है और उसके बाद में स्क्रू चारों को लगा देना है। ये देखो गाइस कंप्लीट फिट हो चुका है और अभी बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं और अब हम इसको लगा देंगे। कार्बन खत्म है। तीन बार नौ है एक। तो गाइज अब हम इसी को चेक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। इसको अच्छे से फिट कर दिया मात्र 80 रुपये के खर्चे में, ठीक है ना गाइज। आप भी अपने घर पर बैठे बैठे ही इसको ठीक कर सकते हैं गाइज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ही को हर रोज़ ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम भी ऐसी वीडियो हम रोज़ डालते रहेंगे गाइज। तो गाइज हमने इसी को रिपेयर कर दिया है, अब हम इसी को चेक करके देखते हैं गाइज चलता है या नहीं चलता है। तो गाइज हमने इसी को रिपेयरिंग कर दिया है मात्र 80 रुपये में। आप भी अपने घर पर बैठे रिपेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें।